की बात करने जा रहे हैं। तो कई संस्थान तो जो है इस डर से जो है इस कार्य को कर भी नहीं पा रहे हैं। आपका जो संस्थान है वो इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है, ये प्रशंसनीय है। यहाँ पर उपस्थित आप सभी विद्वत जनों का मैं स्वागत करता हूँ, पुनः अभिवादन करता हूँ। बात है कि इनका महत्व क्या है, आज पांडुलिपियों के का क्या महत्व है, इनमें ऐसा क्या है और इसको किस प्रकार से काम को आगे बढ़ाया जा सके, इन्हीं चीजों को हम थोड़ा आज फोकस करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो ये पांडुलिपियां हैं ये हमारे ऋषियों महर्षियों हमारे आचार्यों के का जो पूरा ज्ञान है, योग है, उनका जो तप है, उनका जो विज्ञान है, वो सब इन पांडुलिपियों में निहित है, इनमें लिखा हुआ है। इसलिए ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण हो जाती है विज्ञान की दृष्टि से भी। विज्ञान एक प्रकार से देखें भाई, विज्ञान का एक सामान्य से यदि आप डेफिनेशन देखें तो बृहद ज्ञान, विस्तृत ज्ञान। और पांडुलिपियों में जितना विस्तृत ज्ञान है मुझे लगता है अभी आधुनिक साइंस के पास उतना विस्तृत ज्ञान नहीं है। हाँ, बीच में ऐसा दौर आया कि कई चीजें हमारे ऋषि महर्षि तो हमको ग्रंथों में शास्त्रों में लिख करके हमें दे करके गए, हमारे पूर्वजों ने हम तक उन चीजों को सुरक्षित पहुंचाया भी, लेकिन हम लोग जो है कुछ प्रमादी हो गए या फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि हम उन चीजों को भूल गए और कई चीजों को हमारे यहाँ से लेकर के कुछ जो है विदेशी विद्वानों ने जो है उनको प्रकाशित किया और उन्होंने अपने नाम से पेटेंट करा लिया और वो जो है आविष्कार उनका हो गया। बाकी आप देखें कि यहाँ ज्योतिष भी है, उच्च कोटि का ज्योतिष है, यहाँ खगोल शास्त्र है, सूर्य प्रज्ञप्ति चंद्र प्रज्ञप्ति जैसे जो है शास्त्र है, और यहाँ पर आयुर्वेद है। आयुर्वेद में आप अगर और प्राचीन काल की बात करें तो जो है संजीवनी बूटी तक का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। रामायण में आप देखते हैं कि जो है जब उनको लक्ष्मण जी को बाण लगता है तो संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर के आते हैं और वो उससे जो है जीवित हो जाते हैं लक्ष्मण जी। ऐसी भी औषधियां हमारे यहाँ थी या अभी भी होंगी अवश्य ही, उनके उनको जानना है, उनको पहचानना है। जानेंगे कैसे, जान पाएंगे इन पांडुलिपियों के माध्यम से, क्योंकि उनको जानने की जो विधि है वो इनमें इन शास्त्रों में है। आज हमारे हिंदुस्तान का शायद ही कोई भंडार होगा कि जिसमें आयुर्वेद की पांडुलिपियां ना। और कोरोना काल में आप लोग देख चुके होंगे कि आयुर्वेद का कितना जो है हमारे जीवन में महत्व है और लोगों ने इसको जो है अच्छे से अपना रहे हैं, अपनाना शुरू किया है और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अभी हजारों क्या लाखों पांडुलिपियां, लाखों ग्रंथ आयुर्वेद के अभी तक अप्रकाशित हैं और उनको प्रकाश में लाने की बहुत आवश्यकता है। उनको प्रकाश में लाया जा सकता है आप जैसे विद्वान लोग जब इस कार्य में जुड़ेंगे तब। और इसी उद्देश्य से ये जो एक जो सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया जा रहा है, शायद दूसरा या तीसरा कोर्स है इस फाउंडेशन का। और तो उम्मीद हर एक कोर्स में यही रहती है कि वहाँ से कुछ विद्वान जो है निकल कर के आए और वो इन शास्त्रों के संपादन प्रकाशन का कार्य करें, इसी उद्देश्य से किया जाता है। उससे हमारे ऋषियों महर्षियों का जो ज्ञान है उसको हम प्रकाश में ला सकते हैं। और अकेला आयुर्वेद ही नहीं, ज्योतिष ही नहीं, रसायन शास्त्र, साहित्य, अलंकार शास्त्र और विज्ञान, सब कुछ से संबंधित यहाँ जो है ग्रंथ हैं और वो विविध लिपियों में हैं। अब लिपियों का ज्ञान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लिपियों में हमारे यहाँ जो लिखे हुए शास्त्र जो पांडुलिपियां हैं फिलहाल उन लिपियों का चलन हमारे देश में अब नहीं। और ज्यादातर पांडुलिपियां आपको दक्षिण भारत में जाएंगे तो ग्रंथ लिपि में लिखे हुए मिलते हैं ताड़पत्रों पर। आप उत्तर भारत के ग्रंथालयों में जाते हैं तो
तो आपको जो है इस पर कागज पर हैंडमेड पेपर पर लिखे हुए जो है शास्त्र मिलेंगे। और अच्छा, कुछ एडिशनल आवाज आ रही होगी ना कुछ, मैं ये लगा देता हूँ, शायद ये आवाज कम हो जाए क्योंकि हमारे घर के पास ही मंदिर है और यहाँ पर अभी पूजा होगी इसलिए ध्वनि थोड़ी सी जो है शास्त्र सम्मत ध्वनि आप लोगों को सुनाई देगी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है जी? तो ये जो पांडुलिपियां हैं विविध जो हैं उस पे साधनों पर लिखी हुई हैं, ताड़पत्र पर दक्षिण भारत में जो लिखे हुए ग्रंथ हैं वो हमको लगभग 8वीं, 9वीं या 10वीं शताब्दी से लिखे हुए पांडुलिपियां मिल जाती हैं। भूर्ज पत्र पर लिखे हुए ज्यादातर शारदा लिपि के जो है पांडुलिपियां मिलते हैं और वो कश्मीर में ज्यादातर मिलते हैं, अर्थात कश्मीर क्षेत्र की ही शारदा लिपि है और जो है वो भोजपत्र पर लिखे हुए होते हैं। और जो हमारे और इधर आएंगे आप गुजरात महाराष्ट्र और ये बंगाल तक, आप बंगाल में जाकर के अगरु पत्र पर पांडुलिपियां मिलने लगती हैं, त्रिपुरा वगैरह में, मैं जहाँ हूँ अगरतला में, अगरतला नाम तो जो है नाम ही अगरु, अगरु के वृक्ष अधिक होते थे इसलिए अगरतला नाम पड़ा। और यहाँ जो है अगर अगर के जो पांडुलिपियां हैं उनमें ज्यादातर बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लिखे हुए होते हैं अगरु अगरु पांडुलिपियों में। और जो कागज के पांडुलिपियां हैं इसमें तो बाद में ज्यादातर जो पांडुलिपियों को जो चाहे ताड़पत्र पे लिखी हो या भोजपत्र पर अगर पत्र पर लिखी हो उनको जो है हैंडमेड पेपर पर जो है कॉपी किया गया। लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी से ये कॉपी का काम विशेष रूप से चला। जो पांडुलिपियां पुराने साधनों पर लिखी हुई थी और वो जल्दी अब ऐसा लग रहा था कि नष्ट हो जाएंगी तो उनको जो है तब तक 13वीं शताब्दी में जो है हमारे यहाँ कागज और कलम का जो है चलन आ गया था और ओल्ड नागरी लिपि आ गई थी। तो बहुत सारी अन्य अन्य लिपियों और अन्य अन्य साधनों से उन पांडुलिपियों को कागज पर हैंडमेड पेपर पर लिख लिया गया, इसलिए उत्तर भारत के ज्यादातर भंडारों में जो है ये हैंडमेड पेपर पर लिखी हुई पांडुलिपियां मिलती है। उत्तर भारत में ताड़ पत्रों पर भी लिखी हुई पांडुलिपियां हैं लेकिन ताड़ पत्र जो है ज्यादातर हमारे उत्तर भारत का ताड़ पत्र इतना अच्छा नहीं है जितना कि केरल कर्नाटका और आंध्रा, यहाँ से जो अच्छे ताड़ पत्र मिलते थे और श्रीलंका से भी बहुत अच्छा आता था। ताड़ पत्र में भी दो होते हैं, एक श्रीताल और एक खरताल। हमारे कच्छ भुज साइड में जो है जो कोस्टल एरिया है वहाँ खरताल मिलता है, खरताल जो है मिलता था, कुछ पांडुलिपियां खरताल पे भी लिखी हुई हैं लेकिन वो खरताल ना जो है बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है, वो जरा टूट जाने का उसका डर रहता है, वो जैसे जैसे सूखेगा वो टूट जाएगा। तो ऐसी पांडुलिपियों को फिर कागज पे ही जो है कन्वर्ट किया गया। ताड़पत्र बड़े ही हजारों साल तक जीवित रहने वाले हैं। अब आपका प्रश्न ऐसा होगा कि भाई ताड़पत्र ठीक है, इससे पहले किस पे लिखा जाता था? तो ताड़पत्र आप अगर देखें तो हमारे यहाँ लगभग 7वीं शताब्दी तक हम पहुंच जाते हैं, 7वीं शताब्दी तक के पांडुलिपियां ताड़पत्र पर मिलने का उल्लेख मिल रहा है और लंदन से एक 7वीं शताब्दी की जो है पांडुलिपि अभिज्ञान शाकुंतलम की मिली भी है। प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट जी अहमदाबाद में है और उन्होंने उस पर काम किया है, उसके आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है संपादन किया है अभी 2 साल पहले ही, और उन्होंने मूल पाठों को वहां से जो है एकत्रित किया और उसके आधार पर उन्हें अभी कुछ दिन पहले ही 2 साल पहले राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला हमारे भट्ट साहब को। तो हम 7वीं शताब्दी तक पहुंच जाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और आगे देखें तो गिलगिट मैनुस्क्रिप्ट भी मिली है, उनको अनुमान लगाया जा रहा है। जो गिलगिट जो है ये पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो क्षेत्र, उस समय तो 1947 से पहले तो सब भारत ही था, तो उस एरिया में जो है कुछ गिलगिट में जो है कुछ पांडुलिपियां मिली, उनका अनुमान लगाया जा रहा है कि वो शायद 3री या 4थी शताब्दी की हैं, वो भूर्ज पत्र पर हैं और उसमें खरोष्टी लिपि में भी लिखा हुआ अवधर्म कोश का भी एक पेज मिला है, बुद्धिस्ट ग्रंथ।
और कुछ जो है ये जो है छंद शास्त्र के ग्रंथ हैं, वो सबसे पुरानी पांडुलिपियां हमारे यहाँ हैं। और जो है कांधार से भी कुछ पांडुलिपियां मिली हैं उसी 3rd सेंचुरी के आसपास की। तो इस प्रकार से हम ताड़ पत्रों की पांडुलिपियों को जो है, जो हमारे पास साक्ष्य हैं, हम 3री शताब्दी तक पहुंच जाते हैं, ईस्वी सन 3री शताब्दी तक। अभी अब फिर इससे पहले क्या था? तो इससे पहले के जो हमें उल्लेख मिल रहे हैं वो लिखित उल्लेख जो मिल रहे हैं, शास्त्र तो हमको नहीं मिल रहे हैं लिखे हुए बड़े, खाली ग्रंथों की प्रशस्तियों में जो है मिलते हैं, उनका उल्लेख मिलता है, लेकिन शास्त्र नहीं मिल रहे हैं। और उससे पहले के हमें लिखित एविडेंस जो मिल रहे हैं वो पत्थरों पर लिखे हुए कुछ राजाओं के कुछ आदेश हैं, कुछ ऑर्डर हैं, कुछ ताम्र पत्र हैं, कुछ जो है लोह पत्र हैं, कुछ उन पर दान वगैरह की कुछ जो है चीजें कुछ लिखे हुए हैं, एक 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 पेज या दो पेज, ऐसा कोई बड़ा शास्त्र नहीं लिखा है, ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में। तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी 273 के आसपास का सम्राट अशोक का जो है लिखे हुए शिलालेख हमें पूरे भारत में खूब मिलते हैं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और ना सिर्फ भारत में, मतलब कि भारत के बाहर। भारत तो उस समय जो है बड़ा जम्बू द्वीप था, तो जो है कांधार कहें या ये जो है ये सब एरिया इसी में था, तो वहां तक वो जो है मिलते हैं शिलालेख। गिरनार का शिलालेख हमारे गुजरात में गिरनार पर्वत पर जो लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, और वहां पे भाषा जो है पाली प्राकृत मिक्स है, उसमें संस्कृत का उल्लेख नहीं है। बाद में रुद्र दामन के शिलालेख में संस्कृत का उल्लेख आया, वो उसमें प्राकृत पोर्शन ज्यादा है, पाली अधिक है। और उनमें वहां उन्होंने एक ऑर्डर लिखा है कि इयम धम्म लिपि देवानाम पीयेन पीयदंशिना राया लेखा पिता इदने कांची जीवम आरभ पित्पा, कि ये जो उसको धर्म लिपि उन्होंने नाम उल्लेख किया है। वहां अशोक के शिलालेखों में कहीं भी जो है ब्राह्मी ऐसा उल्लेख नहीं मिला, जिस लिपि को हम आजकल ब्राह्मी लिपि कह रहे हैं, अशोक के शिलालेखों में कहीं ब्राह्मी नाम उल्लेख नहीं मिलता है। वहां उन्होंने हर जगह धम्म लिपि कहा। तो ये जो धर्म लिपि, अब ये धर्म लिपि ब्राह्मी ही है या कोई दूसरी है, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो हमारे जो राजवली पांडे हुए, या फिर व्यूलर, जॉर्ज व्यूलर हुए, या फिर सर जॉन प्रिंसेप हुए, या फिर जो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा हुए, ज्यादातर विद्वानों ने इसको जो है अशोक के शिलालेखों की लिपि को ब्राह्मी नाम दिया है। अब वो किस आधार पर दिया है? तो वहां आधार है ललित विस्तर का, बौद्धों का एक ग्रंथ है ललित विस्तर, जिसमें 64 लिपि, वो ललित विस्तर लगभग 1ली शताब्दी का है, और उसमें 64 स्क्रिप्ट्स का नाम उल्लेख है कि भारत में जो है 64 लिपियां बुद्ध के समय जो है चलन में थी। उसमें ऐसा जो लिपि संदंशन पर्व है एक जो है 10वां अध्याय, वहां पर भगवान बुद्ध जो है अपने गुरुजी के पास जब पढ़ने के लिए जाते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि आज हम आपको अद्य अहम त्वाम लिपि सिखामी, आज मैं आपको लिपि सिखाऊंगा। तब बुद्ध जी, भगवान बुद्ध कहते हैं कि गुरु जी ये तो अच्छी बात है, और इस जगत में हम फिलहाल 64 लिपियां चलन में हैं, ब्राह्मी खरोष्ठी और शारदा ग्रंथ वगैरह का नाम उल्लेख नहीं है वहाँ, बाकी जो है शंख लिपि और किनारी किन्नर लिपि, ऐसे जो है कुछ ऐसे प्रांतियां जो है लिपियों के नाम उल्लेख हैं। और 64 लिपि के, भाई 64 लिपि इस जगत में अभी चलन में है, आप मुझे कौन सी लिपि सिखाएंगे? वो गुरुजी से ऐसा प्रश्न करते हैं। तो गुरुजी थोड़े से जो है वहाँ एक श्लोक है, गुरुजी भी थोड़े संकोच में आ जाते हैं कि अरे शिष्य तो बहुत कुछ जानता है, अब मैं इसको क्या सिखाऊं, उन्होंने तो इतने सारे लिपियों का नाम उल्लेख कर दिया है। तो ये हमें एक जो है बुद्ध के समय का एक लिपियों का जो है एक उल्लेख मिलता है कि बुद्ध के समय में भी लिपियां थी। उसके अलावा जैन ग्रंथ जो है प्रज्ञा पन्नवणा सूत्र है, वहां पे भी 18 लिपियों का नाम उल्लेख है, और उनमें भी ब्राह्मी खरोष्ठी पहले दूसरे पर है। तो इसी आधार पर हमारे जो ये बाद में जो लिपिवेत्ता आचार्य हुए हैं,
जो पुराविद्ता पुराविद जो है पुरा विद्या के जो निष्णात जिनमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा व्यूलर और राजबली पांडे और अन्य अन्य जो ये जो हुए या सर्जन प्रिंसिप, इन लोगों ने कहा कि अवश्य ही ये जो हमें लिपि मिल रही है यही ब्राह्मी है, क्योंकि शास्त्रों में भी इसका नाम उल्लेख है। एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें जो है नमो बम्बीय लिपि ऐसा कहकर के ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया, मंगलाचरण, मंगलाचरण में उन्होंने नमस्कार किया। तो इससे पता चलता है कि भाई ब्राह्मी लिपि जो है ज्यादा लिखी जा रही थी, उसको चलन में थी, और ये जो अभी जो उस समय जो एविडेंस मिल रहे हैं यही शायद ब्राह्मी लिपि है, और इस आधार पर उसको ब्राह्मी अशोक के शिलालेखों की लिपि को ब्राह्मी नाम दे दिया गया। ठीक है, तो हम यहां तक पहुंचते हैं। अब जो ये ब्राह्मी लिपि है ना, ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, हम बाएं से दाएं लिखते हैं। जो हमारी देवनागरी है, नागरी है, या और भारत की जितनी भी लिपियां हैं आज भी चलन में, चाहे वो गुजराती हो या बंगाली हो या फिर जो है उड़िया लिपि हो, उन सब को ही बाएं से दाएं कॉमन एक परंपरा है, हमारी हिंदू परंपरा है कि हम बाएं से दाएं लिखते हैं। और ये ब्राह्मी में का जो है से लिया गया कॉन्सेप्ट है, इसलिए ब्राह्मी को हिंदुस्तान की समस्त लिपियों की जननी कह दिया गया, कि ज्यादातर लिपियां ब्राह्मी से निकली हैं। और सिर्फ अकेला ये यही सिर्फ इसी के आधार पर नहीं कहा गया कि भाई लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, बल्कि उसमें आप और भी जो कोई भी लिपि का अक्षर है, आप चाहे नागरी का ले लीजिए या जो है ग्रंथ लिपि का ले लीजिए या शारदा लिपि का कोई अक्षर या गुजराती का कोई अक्षर ले लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं जब आप ब्राह्मी के साथ उसको जो है तुलना करने जाएंगे तो कुछ जो है विशेषताओं को उसमें लगाइए या कुछ विशेषताओं को हटाइए, आपको ब्राह्मी का अक्षर उस अक्षर के अंदर बैठा हुआ दिखाई दे जाएगा। इसलिए ब्राह्मी को समस्त लिपियों की जननी कहा गया। जैसे मैं एक साधारण सा आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे क अक्षर है, क ब्राह्मी लिपि में जो क है ना वो प्लस के जैसा चिन्ह है, जैसा कि वो गणित में जो है प्लस का चिन्ह, जैसे ऐसे ऐसे प्लस का एक एक स्टैंडिंग लाइन और बीच में एक स्लिपिंग लाइन, ऐसा क जो है ब्राह्मी का है। और ब्राह्मी की विशेषता है कि उसके अक्षरों में शिरोरेखा नहीं है। यदि आप उसको देवनागरी का लिपि देवनागरी लिपि का क बनाना चाहें तो देवनागरी लिपि की विशेषता है कि उसमें शिरोरेखा होती है, तो आप उस ब्राह्मी के जो प्लस वाला जो चिन्ह है उसके ऊपर अगर और शिरोरेखा एक लगा देंगे और बीच की जो स्लिपिंग लाइन है उसको लेफ्ट साइड से थोड़ा गोला कर दीजिए, राइट साइड से उसको उसकी थोड़ा पूंछ जैसा बना दीजिए, नीचे की तरफ झुका दीजिए, त जैसा बना दीजिए, तो देवनागरी का क बन गया। अब गुजराती का क, आप गुजराती का क देखेंगे अंग्रेजी के एस जैसा लिखिए, बीच में से एक तिरछी रेखा उसमें स्लिपिंग लाइन डाल दीजिए, गुजराती का क हो गया। ग्रंथ लिपि में भी क ऐसा ही है, और शारदा लिपि में आप देखेंगे तो वो शारदा लिपि में जो बीच का जो सेंटर लाइन है उसको दोनों लेफ्ट में भी गोला राइट में भी गोला। अभी कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को थोड़ा ये चीजें जो है लिख करके भी बताऊंगा, बोर्ड पर लिख करके बताऊंगा। आज तो इसका उद्घाटन है और सामान्य सी चीजें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूं, फिर कभी अवसर मिलेगा तो मैं इन अक्षरों की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा आप लोगों को, तो हमारे ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से जो है माताजी उन अन्य अन्य लिपियों में भी जो है वो अंदर बैठी हुई है, विराजमान है। इसीलिए ब्राह्मी को समस्त लिपियों की जननी कहा गया। ठीक है, और खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, उसका लेखन परंपरा राइट टू लेफ्ट है। इसलिए खरोष्ठी में भारत में बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया, क्योंकि हमारी हिंदू परंपरा जो है राइट टू लेफ्ट वाली नहीं है। और खरोष्ठी के अक्षरों की आकृति भी थोड़ी चित्रलिपि जैसी है, और इसलिए भी भारत में विकास नहीं हुआ। सिर्फ दो ही शिलालेख खरोष्ठी के मिलते हैं और कुछ खरोष्ठी में लिखा हुआ मिलता नहीं, अशोक के समय के दो शिलालेख मिलते हैं सिर्फ। हाँ, लेकिन खरोष्ठी की जो परंपरा राइट टू लेफ्ट लिखने वाली है वही परंपरा अरबी पर्शियन की है, या उर्दू को देखिए आप, ये सारी लिपियां जो है दाएं से बाएं लिखी जा रही है। तो हो सकता है कि ये जो दाएं से बाएं लिखी जाने वाली जो स्क्रिप्ट्स हैं, इन्होंने शायद खरोष्ठी को अपनी माता बनाया हो, खरोष्ठी से शायद कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के राइट टू लेफ्ट लिखे जाने वाली लिपियां बनाई गई हों,
ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। अब तो आप लोग रिसर्च करेंगे और जो है मतलब इस फील्ड में बहुत कुछ काम होना बाकी है, और इस तो कुछ कहीं कोई शास्त्र ऐसा मिल जाएगा, कहीं कुछ उल्लेख मिलेगा, तो हम लोग शत प्रतिशत प्रमाण के साथ भी ये खरोष्ठी लिपि के बारे में भी कह पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम जैसे पहुँचते हैं कि बुद्ध के समय तक हम पहुँच गए। अब बुद्ध के पहले क्या था? भगवान बुद्ध के पहले तक का जो है हमें कुछ भी कोई जो है लिपि का नामोल्लेख भी नहीं मिल रहा है। हाँ, लिपि शब्द मिलता है, लेकिन कुछ लिपियों के नाम वाम नहीं मिलते हैं। और जो है शास्त्र लिखे गए क्या क्या हुआ वो भी ऐसा कुछ स्पष्ट, हाँ शास्त्रों के नामोल्लेख मिलते हैं, शास्त्र थे, पाणिनीय व्याकरण भी था और अन्य 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 भी जो है थे शास्त्र। हमारे वैदिक परंपरा तक हम जाएं तो वेदों को ये जो है बुद्ध काल तक के भी लिखे हुए कोई पांडुलिपियां हमको मिलती नहीं है। वेदों की पांडुलिपियां भी हमको वही छठी सातवीं आठवीं शताब्दी से ही मिल रही है। तो उससे पहले जो है वो उनको कैसे सुरक्षित रखा गया, किस साधन पे लिखे गए वो तो अब कभी मिलेगा तब पता चलेगा। लेकिन एक श्रुत परंपरा थी कि चीजों को जो है स्मृति के आधार पर जो है आवृत्तियों करके उनको जीवित रखा गया, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया। वेद उपनिषद जो शास्त्र हैं उनको हमारे जो गुरुकुलों में जो हमारे विद्यार्थी विद्यार्थी थे बटुक जो हुआ करते थे, उनको गुरुजी जो है एक शास्त्र रटा देते थे और वो शास्त्र जो है उनको आप मतलब कभी भी वो जब नींद में से कभी भी जगा करके भी आप कहेंगे कि भाई ऋग्वेद का जो है ऋग्वेद का ये ऋचा सुनाओ, तो वो शत प्रतिशत शुद्ध सुना देगा, क्योंकि डेली आवृत्तियां होती थी और गुरुकुल परंपरा थी और उस समय की परिस्थितियां भी ऐसी थी, पोल्यूशन नहीं था और इंसान की उम्र कम से कम 100 वर्ष होती ही थी। हो सकता है इसीलिए लिखने का कॉन्सेप्ट नहीं भी रहा होगा कि लिखने की जरूरत क्या है, हमारे इतने जो है स्मरण शक्ति अच्छी है, हमारे इतने जो है विद्वान विद्यार्थी हैं, उनको चीजें उनको रटा दीजिए शास्त्र और वो रहेगा। उसी प्रकार से जो है बौद्ध ग्रंथ भी जो है जो त्रिपिटक हैं वो भी वाचनाओं के आधार पर कई सालों तक जो है कई सौ सालों तक जीवित रहे। हमारे आगम ग्रंथ हैं, जैन आगम ग्रंथ हैं, वो भी जो है वाचनाओं के आधार पर जो है श्रुत परंपरा से ही जो है लंबे समय तक जीवित रहे। बाद में जब ये हुआ कि वातावरण देश काल परिस्थितियां बदलती हैं और स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और कुछ विद्वान जिन्होंने शास्त्रों को रटा था वो किसी कारण से जो है समय से पहले ही दिवंगत हो गए, तो वो शास्त्र उनके साथ ही चले गए। ऐसी कुछ परिस्थितियों के कारण फिर हमारे आचार्यों ने ऋषियों महर्षियों ने इन लिपियों का आविष्कार किया होगा और फिर लेखन का जो है प्रारंभ हुआ और शास्त्रों को लिखा गया। ये एक है, इस प्रकार से हम जो है वैदिक काल तक इस चीज को लेके जा सकते हैं। अब लिपि का उल्लेख जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में अशोक काल में मिल रहा है उसको भी हम सिंधु घाटी सभ्यता तक लेकर के जा सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कुछ कई जगह मोहनजोदड़ो और कालीबंगा और इन जगह से जो खुदाई हुआ है उसमें कुछ पॉट मिले हैं, कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ सीले मोहरे मिली हैं, उन पर कुछ कुछ अक्षर बने हुए हैं। पूरा लेख नहीं है लेकिन 2-5 अक्षर मिलते हैं, शायद वो ब्राह्मी का प्राचीनतम रूप है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और हमारे हिंदुस्तान में प्राप्त सबसे प्राचीन लिपियों का प्राचीनतम स्वरूप भी वही है अक्षरात्मक रूप में। कहीं कहीं से मिस्र से जो है कुछ रज्जु लिपि के उल्लेख मिलते हैं कि अक्षरों की आकृति रस्सी के जैसे जो है आकृति होती थी, और कहीं जो है कुछ भाव लिपि के उल्लेख मिलते हैं कि भाई आप जो है कुछ चित्र बना दीजिए, उन चित्रों के आधार पर उस जो है भाव को समझ करके अनुमान सामने वाला अनुमान लगा लेता है कि ये क्या लिखा है। जैसे
आंख का चित्र बना दिया, आंख से जो है आंसू टपकते हुए दिखा दिया, और उस चित्र को देख करके ही देखने वाला समझ गया कि अच्छा ये दुख का जो है कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ दिखाया जा रहा है। ये भी एक लिपि का स्वरूप है, चित्रलिपि का एक स्वरूप है, इसको चित्रलिपि भाव लिपि कह सकते हैं। और फिर अक्षरात्मक लिपि आती है, क्योंकि जो लिपि शब्द है ना वो लिप धातु से निष्पन्न हुआ है। अमरकोश में जो है लिपि का जो लिप लेपन है, जो लिप धातु लेपन के कॉन्सेप्ट में लिपने के में, तो लिपि का सबसे प्राचीनतम जो स्वरूप है वो लेपन है। वहीं से फिर भाव लिपि, चित्र लिपि और ये अक्षर लिपि, ये फिर आगे जाकर के उससे विकसित हुए हैं। सबसे प्राचीनतम स्वरूप लेपन, लिप लेपन है। लेपन से आप जैसे कि हमारे जो है प्राचीन काल में पुराने घर हुआ करते थे, प्राचीन काल में क्या, अभी से ही हम जब छोटे थे तो हम भी कच्चे घरों में रहे हैं, आज से लगभग 30 साल पहले तक भी ये थी, और अभी भी गांव में आप देखेंगे कई जगह कच्चे घर हैं, तो वहाँ जो घर में जो चौका लेपन जो किया जाता है, माताएं बहने वो गाय का जो है गोबर और पीली मिट्टी और पानी ये सब मिला करके वो घर में लिपते हैं, और उसमें कुछ आकृतियां बन जाती हैं, वही लिपि का सबसे प्राचीनतम कॉन्सेप्ट है। और यहां तक कि जो कच्चे घरों पे कुछ बेल बूटा बना दिया, कुछ कहीं 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 तो जैसे कभी कोई शादी वगैरह का प्रसंग है, कुछ जो है डोली ले जाते हुए कुछ लोगों ये फोटो बना दिया, या फिर घोड़े का एक फोटो बना दिया, उस पर कोई बैठा हुआ है और कोई दूल्हा बैठा हुआ है, तो सामने वाला कोई देख करके ही पहचान लेगा अच्छा इस घर में शादी। तो लिपि का काम क्या है, लिपि का काम यही है कि भाई जो भाषा है उस भाषा को जीवित रखना और उसको सामने को के सामने तक उस कॉन्सेप्ट को पहुंचाना कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम उस चीज को सामना वाला समझ ले, वो चित्र के माध्यम से समझे या अक्षर के माध्यम से समझे। तो सबसे प्राचीनतम कॉन्सेप्ट लिपि का यही था लेपन से जो है, और बाद में फिर ये लेपन से लेके लेखन तक पहुंचता है। और हमारे ऋषि महर्षियों ने जब आवश्यकता लगी तो, क्योंकि वो तो वैज्ञानिक थे, जो इतने बड़े बड़े शास्त्र लिख सकते हैं वो, उनके लिए लिपि बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और उस समय में 64 लिपियों का उन्होंने आविष्कार कर दिया, जहां दुनिया के अन्य देशों में लोग जो हैं शायद ठीक से बोलना भी नहीं जानते होंगे शास्त्र संबद्ध, उस समय हमारे यहाँ जो है 64 लिपियां आचार्यों ने निर्माण कर दिया। और इसीलिए जो आप नालंदा तक्षशिला की जो परंपरा देखते हैं, हमारी इतनी विशाल परंपरा रही लगभग ईसा पूर्व वो ईस्वी सन तीसरी चौथी शताब्दी से ही पांचवी शताब्दी से, आप देखिए नालंदा कितना विकसित विश्वविद्यालय बन जाता है। भारत में पूरे चारों कोनों पे, एक तरफ नालंदा है, दूसरी तरफ तक्षशिला है, तो तीसरी तरफ बल्लवी है बिहार इधर ये गुजरात में, और ये अलग अलग शास्त्रों के एक बड़े जो है भारी यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट था, और विदेशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए यहाँ आते थे, लाइन लगती थी। आज स्थिति क्या है कि हम लोगों को बाहर जाने के लिए जो है अप्रोच लगाना पड़ता है। इतना कुछ परिवर्तन हुआ, कारण कि इन शास्त्रों का हम ठीक से संरक्षण नहीं कर पाए, हम इनकी वैल्यू को हम लोग ठीक से समझ नहीं पाए। जिन्होंने समझा वो लोग इनमें से कुछ ले करके और अपने नाम से पेटेंट करा लिए, अपना आविष्कार दिखा दिए। बाकी हमारे यहाँ जो है आप देखिए कि हनुमान चालीसा में जो है पूरा सूर्य तक की जो है कितनी दूरी है ये उल्लेख कर दिया जाता है, और लिपि का जो आप रामायण में अगर देखते हैं तो जो है वहाँ हनुमान जी जब मुद्रिका लेकर के जाते हैं उस पर राम नाम लिखा हुआ है, तो उस समय तक भी आप पहुंच सकते हैं। और ये कोरी कल्पनाएं नहीं है, कुछ ना कुछ रहा होगा। पुष्पक विमान की आप जो है कल्पना देखिए, भाई कल्पना कौन कर सकता है, कल्पना भी वही कर सकता है जिसके पास कुछ होगा। कुछ भी शून्य ना, सिर्फ शून्य में से आप जो है इतनी बृहद कल्पना करना मुश्किल है, कुछ थोड़ा होगा तो उससे आप डेढ़ गुना दो गुना ज्यादा भी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं, वहां कल्पना कैसे करेंगे। तो इन वैमानिक शास्त्र हमारे यहाँ जो है इतने सारे मिल रहे हैं, पुष्पक विमान का उल्लेख मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो था, और वो चीजें और जगह नहीं थी, इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया, और विदेशों से पढ़ने के लिए विद्यार्थी हमारे यहाँ आते थे।
भारत को पांडुलिपियों का देश भी कहा जाता था, इतनी पांडुलिपियां थी कि भारत को पांडुलिपियों का देश कहा जाता था। जब हिंसांग फाइयान आते हैं भारत में तो वो पूरे दुनिया में घूमते हैं और वो वहां से शास्त्रों का जो है संग्रह करते हैं, कुछ लिप्यंतर करके वो साथ में ले जाते हैं तो कुछ ओरिजिनल पांडुलिपियां लेकर के जाते हैं जब जाते हैं, और जब जाते हैं तो वहां जो है फिर उन देशों में अपने देश में पहुंच करके वहां के लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं कि ये पांडुलिपियों के देश में जाकर के आया है, ये उस शास्त्रों के देश में जो है ये जाकर के आया है, वहां से पढ़ के आया है, उसके दर्शन मात्र करने से ही वो अपने आप को धन्य समझ लेते, धन्य मान लेते हैं। तो इतना बड़ा जो है हमारा भारत की जो ये प्राचीन उपलब्धियां थी सिर्फ इन शास्त्रों के कारण थी। और जब नालंदा में आग लगाई जाती है बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो उसके पीछे उसका एक ही कॉन्सेप्ट था, एक ही उद्देश्य था कि इस देश की यदि मूल जो पहचान है उसको खत्म करना है तो पहले इसके जो शास्त्र हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। और उन्होंने लाखों पांडुलिपियों को जला दिया, ऐसा उल्लेख मिलता है कि वहां पर जो है कई महीनों तक नालंदा में वो धुआं उठता हुआ देखा गया, वहां के पुस्तकालय में आग लगा दी गई। लेकिन फिर भी बहुत कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी अभी भी इतना है कि जितना दूसरे देशों के पास नहीं है, और यदि वो प्रकाश में आ जाता है तो एक बड़ा काम होगा, उस काम को करना बहुत जरूरी है। अभी जैसे कोरोना के समय में आपने देखा कि इतनी बड़ी महामारी आ गई, हो सकता है कुछ आयुर्वेद के आप लोग जो है जब काम करेंगे कोई ऐसी पांडुलिपि कोई ऐसा ग्रंथ आयुर्वेद का मिल जाए कि जिसमें इन ऐसी बीमारियों का जो है कोई एक श्लोक में जो है आपको दवाई मिल जाए। कई बार हम देखते हैं, हमने पांडुलिपियों का ये कैटलॉगिंग करते समय मुझे बहुत सारी पांडुलिपियां देखने को मिली, लगभग मैंने मतलब लाखों पांडुलिपियां मैंने देखी हैं, और उनमें कई ऐसे शास्त्र मिले कि पूरा शास्त्र तो कोई दूसरा सब्जेक्ट का है, अंतिम पेज पर जो है आयुर्वेद के कुछ 4-5 श्लोक लिखे हुए हैं, कोई मधुमेह की दवाई डायबिटीज की दवाई लिखी हुई है, कुछ जो है कोई जो है विषम ज्वर की दवाई जो है लिखी हुई है, कहीं कहीं सोना बनाने की जो है ये श्लोक लिखा हुआ है। एक जगह मैंने पढ़ा कि तू रसगंधक मैं रस पारा, ताके बीच नाग पसारा, नाग मार नागन को दीजिए, भर कटोरा कंचन लीजिए, वो सोना बनाने की विधि है। अब उसमें कितना ये चीजें क्या है, नाग क्या है और जो है रस गंधक क्या है, पारा क्या है, उनको कितने कितने मात्रा में मिलाना है और उसको किस प्रकार से जो है उसका उसका भस्म बनाना है, तो यदि वो पूरा उस श्लोक का यदि हमको कहीं ये मिल जाए, कहीं टीका मिल जाए तो हम जो है सोना बना सकते हैं और वो मिल सकता है। ये हमारे इन शास्त्रों में, इन पांडुलिपियों में अवश्य ही जो है मिलेगा। और क्योंकि विद्वान कम है, बहुत कम लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो आप लोग इस कार्य को करेंगे, इसमें से आपका जो ये सर्टिफिकेट ये कोर्स जो चल रहा है इसमें से यदि 4-5 लोग भी जो है इस फील्ड में आ जाते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। एक मिनट में एक फोन रिसीव कर रहा हूं, दोबारा से मैं जुड़ूंगा। सर ने हमको लेपन से लेखन तक की यात्रा कराई और सच में बड़ा अद्भुत ज्ञान दिया है, तो चलिए समय का सदुपयोग करते हुए मैं आपसे पूछूंगी कि लिपि की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। सर ने जो भी अब तक बताया क्या उसको समझ के कोई मुझे बता पाएगा कि लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमको किसी भी रचना को या किसी भी बात को हमारे दिमाग में आने वाली या ऋषियों का जो भी ज्ञान को उसको लिपिबद्ध करना पड़ा। हाँ, क्या आवश्यकता पड़ी कि हमको लिखना पड़ा। क्षमा कीजिएगा, एक बहुत इम्पोर्टेंट फोन आ गया था, मुझे रिसीव करना पड़ा और आज मैं फोन से ही जुड़ा। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत जी नहीं सर, नो प्रॉब्लम ऐसा, नो प्रॉब्लम सर। तो ये सारी चीजें हैं
और इनको हम इन कार्यशालाओं के माध्यम से हम कुछ विद्वानों को तैयार करके उन चीजों को समाज के सामने ला सकते हैं और हम पूरे विश्व के सामने ला सकते हैं और जो है हम ये साबित कर सकते हैं भारत को, जब हमारे जो है नेता हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भाई भारत को विश्वगुरु था विश्वगुरु बनाना है, तो विश्वगुरु यदि आपको भारत को बनाना है तो पांडुलिपियों की शरण में जाना ही पड़ेगा। बिना इन ग्रंथ इन शास्त्रों को इन शास्त्रों में जो निहित जो ज्ञान है उसको समाज के सामने लाए बिना विश्वगुरु बनाना संभव नहीं है। और इन शास्त्रों के संरक्षण के लिए इनके प्रकाशन के लिए खैर गवर्नमेंट जितना कर सकती है कर रही है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की भी स्थापना की गई अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे और वहाँ सर्वे के द्वारा बहुत सारे पांडुलिपियों का जो है डेटा भी इकट्ठा किया गया और वहीं से हम पता भी चलता है कि हमारे देश में जो है लगभग 1 करोड़ पांडुलिपियां हैं। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 10-20 लाख पांडुलिपियां होंगी, लेकिन जब सर्वे शुरू हुआ तो जो है अकेले गुजरात में ही 30-40 लाख पांडुलिपियां निकल आई। फिर अनुमान ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां हैं, लगभग 1 लाख पांडुलिपियां तो शारदा लिपि की ही हैं। हमारे अभी भी बड़े बड़े भंडार हैं, मैं कुछ भंडारों की भी यहाँ चर्चा कर देता हूँ। जैसे यदि आप लोग रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को एक जो है आचार्य कैलाश सागर सूरी ज्ञान भंडार है, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे लगभग 3 लाख पांडुलिपियां हैं और भारत का नहीं एशिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार है। आप रिसर्च के लिए वहां से शास्त्र इकट्ठे ग्रहण प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी अहमदाबाद में है, वहां पे 75,000 पांडुलिपियां हैं। और हमारे राजस्थान में भी जो है कई भंडार हैं, जैसे जयपुर का पोथी खाना है और आपका जो है ये है जैसलमेर का जो भंडार है, जैसलमेर का जो किले के अंदर जो भंडार है वो भी एशिया का एकमात्र अंडरग्राउंड भंडार है। और जैसे किले के अंदर जो है अंडरग्राउंड है, अंडर नीचे जमीन के पहाड़ के अंदर में बनाया हुआ है और बड़ी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वहाँ। उसके अलावा जो है और ये हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय इलाहाबाद कैंपस गंगानाथ झा कैंपस, वहाँ पे भी लगभग 75-80 हज़ार पांडुलिपियाँ हैं। उसके अलावा कर्नाटक में बहुत सारी पांडुलिपियाँ हैं, होशियारपुर में बहुत सारी पांडुलिपियाँ हैं और जो है सरस्वती महल तंजावुर में बहुत सारी पांडुलिपियाँ हैं। केरल भी जो है, आंध्रा भी जो है पांडुलिपियों से भरा पड़ा है। आंध्र प्रदेश के आप चाहे केरल में आयुर्वेद के बहुत सारे जो है पांडुलिपियाँ हैं, हासन में आयुर्वेद के पांडुलिपियाँ हैं, मंजुनाथ टेम्पल में जो है आयुर्वेद के और जो है बहुत सारे पांडुलिपियां हैं। और जो है तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बनारस पूरा ही जो है पांडुलिपियों का, संपूर्णानंद में देखिए बहुत सारी पांडुलिपियां हैं। जी आवाज का डिस्टर्ब, बीकानेर बोरी 30,000 पांडुलिपियां मिली है सर। जी अच्छा, अभी मिली है एक संस्था के साथ, मतलब वहाँ थी 30,000 उपलब्ध हुई है कि वहाँ 30,000 पांडुलिपियां, उस पे हमें कार्य करना है। बिल्कुल, सबसे पहले उनका कैटलॉग बनाइए, लिस्टिंग कीजिए और हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे शास्त्र निकल के आए कि जो आप लोगों का तो नाम रोशन करेंगे ही, उसके साथ साथ पूरे देश का जो है नाम रोशन हो सकता है। तो उनका लिस्टिंग कीजिए, रिसर्च स्कॉलर्स के साथ मिलकर के उस काम को आगे बढ़ाएं। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी पांडुलिपियां हमारे यहाँ हैं और बहुत सारी अप्रकाशित हैं। संयोग से मुझे 7,000 पांडुलिपियों पर काम, ऐसी भी पांडुलिपियों पर मैंने काम किया जो अकबर बादशाह के समय में उनकी लाइब्रेरी में थी आगरा में, वहाँ फतेहपुर सीकरी में, वहाँ से फिर वो ग्रंथ लिपि के हैं। उनमें कई सारी पांडुलिपियाँ चंदन की लिपि से लिखी हुई, चंदन की स्याही से लिखी हुई है। तो हमारे यहाँ चंदन की स्याही, सोने की स्याही और जो है में लिखे हुए भी शास्त्र हैं, जैनों के कल्प सूत्र, ऐसे कई शास्त्र हैं जो कि जो है सोने की स्याही में लिखे हुए हैं। एक एक पेज
इसकी कीमत लगभग करोड़ों रुपया है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है कि थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है? नहीं सर, सही आ रही है। अच्छा ठीक जी। तो जो है एक एक पेज की करोड़ों रुपया कीमत है। खैर उनका कीमत लगाना भी कहेंगे एक जो है निरर्थक ही है, क्योंकि इन ये तो ऐसी चीज है कि जो अभी भूतो ना भविष्यति वाली, उसका कीमत आंका नहीं जा सकता। फिर भी आप अगर देखें आज की ये दृष्टि से देखें तो एक एक पेज करोड़ों रुपया की कीमत वाला है। ऐसे ऐसे चित्रित पांडुलिपियां हैं। मैं क्योंकि समय कम है, थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ पांडुलिपियां दिखाता हूं। मुझे स्क्रीन शेयर की अनुमति है ना? जी सर। यस सर। जो क्या ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर, स्पष्ट। यस सर। एक चित्रित पांडुलिपि है, देखिए ये जो इस पर चित्र बनाया हुआ है, इसमें ये गोल्डन इंक है, बीच बीच में जो है सोने की स्याही का प्रयोग हुआ है, और बाकी की जो स्याही है ना वो जो है फूलों से, मतलब नेचुरल इंक है सब। हेलो, चित्र दिखाई दे, पांडुलिपि दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये देखिए एक ओल्ड नागरी की पांडुलिपि है और प्राकृत भाषा में है, हरि सिंह बार सम्मतम, और 12वीं शताब्दी की है ये, और इसमें सोने की जो है स्याही का यहाँ प्रयोग हुआ है, और बाकी की जो स्याहियां हैं वो भी नेचुरल रूप से जो है फूलों से, पत्तों से, कुछ गोंद से, कुछ अर्क से, इन सब से बनाई गई हैं। उसके अलावा मैं और भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये दूसरा पांडुलिपि देखिए, ये सब ये जो चित्रित जो पांडुलिपियाँ हैं ना, इनका कोई मूल्य नहीं, ये अमूल है। ये देखिए एक जो एक एक ये चित्र बनाया हुआ है एक एक में, कितना सुंदर है, सिर्फ हाथ से बनाया हुआ है, और अक्षरों को देखिए आप, अक्षर ऐसे लगेंगे कि जैसे कि कंप्यूटर से लिखा हुआ है। ये सभी अक्षरों की समान आकृति सुंदर जो है ये चित्रों के साथ ये बनाए हुए हैं, ये देखिए। उसके अलावा मैं और भी कुछ आप लोगों को शेयर करता हूँ। ये देखिए ये ब्राह्मी लिपि का एक शिलालेख है, दिखाई दे रहा है? जी सर, दिख रहा है। अब यहाँ पर ये जो है प्राचीन लेखन का परंपरा थी, जो लहिया है, जो लिपिक है, क्योंकि ब्राह्मी तो पत्थर पे लिखी जा रही है, तो यहाँ लेखन का साधन टांकी हथौड़ा है। टांकी हथौड़े से उस पत्थर पर अक्षरों को खोदा जा रहा है, और जो गुरुजी हैं उनके पास एक कागज में या किसी कपड़े पर वो लेख लिखा हुआ है, वो उस लहिया को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा अक्षर आप बनाइए, और वो बड़े सुंदर अक्षर जो हैं खोद करके वहां बना रहा है। उसके अलावा ये वो तो हो गया सबसे प्राचीन जो है पत्थर पर लिखा हुआ उल्लेख। दूसरा ये जो है भोजपत्र पर लिखा हुआ शारदा लिपि पांडुलिपि इसके नीचे। तो अब हम क्रम से आपको दिखा रहे हैं कि पत्थर के बाद जो है पत्थर पर टांकी हथौड़े से लिखा जा रहा है, और बाद में जब जो है शारदा ये आ रही है तो इसको भोज पत्र पर स्याही से लिखाया जा रहा है। और शारदा लिपि की विशेषता है कि इसमें जरा अक्षर जो है थोड़े मोटे लिखे हुए होते हैं, स्थूलाक्षरी लिपि है। उसके बाद देखिए ये कागज पर लिखी हुई पांडुलिपि, और फिर मैं आप लोगों को ये एक शारदा लिपि की चित्रित पांडुलिपि, ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, ये शारदा लिपि में ये उसके बॉर्डर को कितना अच्छा जो है सुंदर सजा गया हुआ है,
सब नेचुरल इंक है, नेचुरल कलर है। और ये देखिए ताड़ पत्र पर नागरी लिपि, वैसे ताड़ पत्र पर जो है खोद करके अक्षरों को खोद करके लिखने का विधान है, ग्रंथ लिपि को अक्षरों को खोद के लिखा जाता है स्टाइलस से, लेकिन यहाँ जो है ये भी 12वीं शताब्दी का है, ताड़ पत्र पर जो है लिखा हुआ है। और ये पांडुलिपि वहाँ आपके जैसलमेर के भंडार में है, बीच में चित्र बना हुआ है, सुशोभित चित्रित पांडुलिपि है। ये बड़ी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है, ये ग्रंथ है, एक मिनट देख लेते हैं, ये है येन संशोधितायम। अच्छा बुद्धि सागर भू सागर सूर्य चंदेवम सुख्येन पंडित मान गुण व येन संशोधितायम, ये शास्त्र है। एक मिनट बुद्धि सागर जो है ने इनको जो है संशोधित किया है, और भगवान लोक यहाँ लास्ट में जो है आप देखेंगे ये चित्र जैसा बनाया हुआ है, छह जैसा है, पूर्ण कलश जैसा बनाया हुआ है। यहाँ पर ये शास्त्र जो है संपन्न हो रहा है, शास्त्र ग्रंथ पूरा हो रहा है। दानशील तपो भावना निरत, कोई सुश्रावक है उनकी भगिन्या बहन के लिए पढ़ने के लिए जो है ये शास्त्र लिखा गया। उसके बाद देखिए ये जो है ग्रंथ लिपि में लिखा हुआ एक ताड़पत्र है, इसमें अक्षरों को खोद करके लिखा गया है ये शास्त्र है। यहाँ कॉर्नर में इसमें शास्त्र का नाम लिखा है अष्टमंगलम पंचायुधम, अष्टमंगल और पंचायुध से संबंध जो है का उल्लेख है इसमें, ये मार्जिन हाशिया में ऐसा बताया जा रहा है। ये शास्त्र इन शास्त्रों को लेखन के साधन है, लकड़ी का बॉक्स है जो ड्राइंग बॉक्स जो बोलते हैं जिसमें कलम वगैरह रखना है, और ये मंजूसा है कलम रखने की, ये कलम है, और ये जो है पॉट है इंक स्याही के दबात हैं, ये अकीक पत्थर हैं जिससे कि उसको जो है पांडुलिपियों को घिस करके चिकना बनाया जाता था, और साथ में यदि कलम में ज़्यादा स्याही आ गई है तो इसके ऊपर जो ये स्याही सोखा का भी काम करता है, इसके ऊपर कलम को रख दीजिए एक्स्ट्रा स्याही को ये सोख लेगा, आपको जितना लिखने के लिए स्याही चाहिए उतनी ही दे देगा। ये जो है कागज के ये फांटिया है, कागज के पांडुलिपियों में लाइन खींचने के लिए, आप देखेंगे कागज की पांडुलिपियों में ना लाइन दिखाई नहीं देती है और अक्षर सीधे लिखे हुए दिखाई देते हैं, ये इस फांटिया का कमाल है। इसमें ऐसे लाइनें बनाई हुई हैं, धागे हैं, धागे के ऊपर जो है कुलतार जैसा लगाया हुआ है, अब इसके ऊपर कागज को रख करके यदि हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे आप तो उसकी जो है आकृति उन पेपर में आ जाती है और वो दो चार पाँच दिन रहती है, उसी समय में उस पर लिख दिया जाता है, बाद में वो लाइन की आकृति अब स्वतः ही चली जाती है और वो अक्षर आपको एक लाइन में लिखे हुए मिल जाएंगे। ये लिपियों का जो है विकास क्रम है, दरअसल ब्राह्मी जो है उत्तर दक्षिण में जाकर के कुटिल काल में दो तरफ बढ़ जाती है और एक तरफ उससे फिर जो है नागरी शारदा और ये निकलती है, तो दूसरी तरफ ग्रंथ तमिल तेलुगु मलयालम ये सभी लिपियां निकलती हैं। और ये एक पांडुलिपि का जो है जो किस को किस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बीच का जो मध्य फुलिका है, मूल जिव्या क्षेत्र है जहाँ पे पाठ लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट मार्जिन है, राइट साइड में राइट मार्जिन है, बीच में जो छिद्रक है ताड़पत्रीय पांडुलिपियों में, और कागज के पांडुलिपियों में चंद्रक हो जाता है। ये मध्य फुलिकाएं हैं कागज के पांडुलिपियों को, बीच में जो है कुछ ऐसे चित्र बने हुए मिलते हैं, इसको मध्य फुलिका कहते हैं। अच्छा ये ब्राह्मी लिपि के अक्षर हैं, ये जो है एक जो है दिल्ली टोपरा का शिलालेख है, शिलालेख नहीं पिलर है, ये स्तंभ लेख है, वो एक जो है पिलर पर ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है। ये शारदा लिपि है, शारदा लिपि की पांडुलिपि है,
श्री गणेशाय नमः, लीला आरब्धम, और इसी शारदा लिपि की पांडुलिपि का नागरी लिपि में ये लिप्यंतर है। ये मुझे संयोग से एक जो है एक भंडार में ये मेरे पास शारदा लिपि की पहले से थी पांडुलिपि, ये कश्मीर से मुझे प्राप्त हुई, और एक जगह काम करते हुए उसी की सेम प्रति जो है नागरी लिपि में मुझे एक भंडार से और मिल गई, और वो कश्मीर से मिली, ये अहमदाबाद से मिली। अब देखिए कैसे पांडुलिपियां एक जगह से दूसरे जगह तक चलती हैं और एक लिपि से दूसरे लिपि में कन्वर्ट होती हैं। ये एक शिलालेख है शारदा लिपि का छोटा सा, ये ग्रंथ लिपि के कुछ अक्षर हैं। ये आप देखेंगे ग्रंथ लिपि में नमोकार मंत्र है, आपने जैन परंपरा में नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपध्यायाणम, और ये एक ताड़पत्र है, भक्तामर स्तोत्र है, और ये ग्रंथ लिपि में लिखा हुआ है, और ताड़पत्र में दोनों तरफ ही लिखा हुआ होता है, खुद करके अक्षर लिखे जाते हैं, और इनके अक्षरों की आकृति थोड़ी वो जलेबी आकार की होती है, इसमें शिरोरेखा नहीं है ग्रंथ लिपि में, क्योंकि ताड़पत्रों में शिरोरेखा लगा करके अगर दरअसल इसीलिए नागरी लिपि ज़्यादा नहीं लिखी जाती है ताड़पत्रों में खोद करके, क्योंकि उसमें जो रेशे होते हैं ना वो रेशे सीधी लाइन में जाते हैं वो ताड़पत्र के, और शिरोरेखा में नागरी में शिरोरेखा लगाने की परंपरा है, और यदि ताड़पत्र में शिरोरेखा लगा के कोई लिपि लिखेंगे तो वो ताड़पत्र वहीं से जो है डैमेज होना शुरू हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर ग्रंथ लिपि और जो है या उड़िया लिपि या अन्य लिपियाँ ज़्यादा मिलती हैं। ये देखिए एक शिलालेख है दसवीं शताब्दी का नागरी लिपि का, ये बड़ा प्राचीनतम शिलालेख हमको जो है दसवीं नागरी लिपि का एक प्राचीन एविडेंस मिलता है, 10th सेंचुरी में शिलालेख लिखा हुआ, ये अभी तो जो है यहाँ नहीं है, लंदन के जो है ऑक्सफोर्ड उसमें म्यूजियम में रखा हुआ है, लेकिन एक एक ग्रंथ में मुझे इसका उल्लेख लगभग जो है इसमें अलवर में होने का मुझे उल्लेख मिला था कि ये शिलालेख पहले जो है अलवर में था राजस्थान में। तो इस प्रकार से जो कुछ चीजें हैं ये, मैं और भी कुछ चीजें आप लोगों को ये देखिए मैं बताता हूँ, और ये नंदी नागरी लिपि की एक ताड़पत्र की पांडुलिपि देखिए, और उसके अलावा एक और दिखाता हूँ, ये भी नंदी नागरी लिपि की जो है पांडुलिपि है, बीच में छिद्रक है, ताड़पत्रों में छेद करके जो है और रस्सी से बांध करके रखा जाता है, वही प्राचीन बाइंडिंग का जो है सिस्टम है हमारे यहाँ का। तो और भी कुछ है, बहुत कुछ है, मैं समय समय पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैंने यहाँ ये कुछ चीजें आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है, अभी क्योंकि समय हो गया है और विषय तो बड़ा विशाल है, आप लोगों की कुछ जिज्ञासाएं हो, कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ लीजिए।